नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आज हम सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत कोरसर ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। कोरसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कोरसर कोठार में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा ग्रामीणों का जांच किया जा रहा है। हमारे साथ जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके किन बातों को लेकर इनके द्वारा जांच किया जा रहा है और इस जांच से ग्रामीण समुदाय के लोगों को क्या फायदा होने जा रहा है। आइए, हमारे साथ जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, हम इनसे मुलाकात कराते हैं और इसका विस्तार से जानकारी लेते हैं। सर, आपके द्वारा जो है जांच प्रक्रिया की जा रही है, ग्रामीणों का जांच किया जा रहा है, इस जांच का उद्देश्य क्या है और ग्रामीण आम जनमानस को इससे क्या लाभ होने वाला है? इस जांच का उद्देश्य में है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को इलाज नहीं करवा पाते, NCD प्रोग्राम के अंतर्गत स्क्रीनिंग कार्यक्रम चालू है, जो कि हम लोग छोटे छोटे टोले मोहल्ले में जाकर जहाँ के लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ जाके अपना कैंप लगा के स्क्रीनिंग करते हैं। और जो भी मरीज हमको मिलते हैं उनको स्क्रीनिंग करके उनकी चिन्हांकन करके हम अपने, जैसे किसी मरीज को BP निकला, शुगर निकला, तो अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को संग रेफर करा के उनका इलाज करवाते हैं। जो कि गरीब लोग हैं, दवाई नहीं करवा पाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी से अपने जूझते रहते हैं, तो सरकार की हमारी स्कीमें चल रही स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत NCD कार्यक्रम के अंतर्गत स्क्रीनिंग प्रोग्राम चालू है। तो हम लोग भी जैसे BP है, शुगर है, कैंसर रोग जैसे मतलब असाध्य रोग जो हैं लोग पर नहीं करवा पाते हैं, उनका स्क्रीनिंग करके उनका उपचार यही करवाते हैं। देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि NCD स्कीम के तहत जो है ये जांच प्रक्रिया जारी है और गांव-गांव में जाके, गली-गली में जाके जो है ग्रामीण आम जनमानस का जांच किया जा रहा है, ताकि वो किसी भी असाध्य रोगों से ग्रसित न होने पाए, समय से उनका उपचार हो सके। हमारे साथ NM लक्ष्मी साकेत जी बनी हुई हैं। आइए हम इनसे भी मुलाकात करते हैं कि किन बातों को लेकर जो है ये भी यहाँ पहुंची हुई है और जांच प्रक्रिया कर रही है, इससे आम जनता को क्या लाभ मिल सकता है, उसकी जानकारी हम लक्ष्मी साकेत जी से। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है महिलाओं को मिलने से और इनकी मर्ज के पता लगाने से, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनकी जो स्तन में गांठ है रहती है और जो महिलाओं को सिकलेस, सिलोरिया, जो सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं हम उनसे बात खुला कर सकते हैं, इसलिए हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं स्क्रीन कर रही हूँ हम और दो मिलकर। देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये जांच प्रक्रिया से जैसा ग्रामीणों का जगह जगह जाके इनके द्वारा जांच किया जा रहा है, इनका बार बार ये कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यानी ये सरकार की स्कीम, स्वास्थ्य विभाग की स्कीम इनको अच्छा लग रही है, आदमी की बात नहीं कर रही है बल्कि ये स्कीम की बात कर रही है, ताकि ये ग्रामीण जो आउट एरिया के ग्रामीण हैं जहां कोई साधन नहीं है, ये लोग जागरूक नहीं है, तो इनका जांच समय पर हो जाता है और उपचार अगर सही तरीके से इनको मिल जाता है तो किसी भी प्रकार की हानि इनको नहीं होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा पब्लिक की ओर कैमरा घुमाएंगे और दर्शकों को दिखाएंगे कि कितनी पब्लिक जो है इसमें एक्टिव होकर अपनी जांच करवा रही है। और MPWG के द्वारा बताया गया कि लगभग 50 लोगों का जो है यहाँ जांच हो चुकी है, जिसमें शुगर, BP और एक कैंसर का भी मरीज पाया गया है, उनको अब सही उपचार, सही समय पर उपचार मिल सकता है। जो है ये आज हम सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत कोरसर ग्राम पंचायत के कोरसर कोठार में जो है ये जांच प्रक्रिया चल रही थी, जो हम आज आपको दिखा रहे थे। कैमरामैन वंशवड़ी द्विवेदी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, टुडे 24 न्यूज।